नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय में इकाई 6 टपका कडर। बच्चों आपको पता है टपका क्या है? हाँ, टपका यानी कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदे। अब बारिश का मौसम होता है तो सबको बारिश का मौसम तो बहुत पसंद है ना, और बच्चों को तो बारिश का मौसम बहुत पसंद होता है। तो आज हम कहानी टपका कडर, जो एक बुढ़िया है कष्ट और गरीबी में जूझती रहती है, उसकी कहानी का अभ्यास करेंगे। बरसात का दिन था। बच्चों बरसात का दिन यानी कि बारिश होती है तब आप सभी को अच्छा लगता है ना, आप सोचते होंगे हाँ बरसात आए तो स्कूल से हमें जल्दी छुट्टी मिले और हम बारिश में भीगने जाए, यह सब आप सोचते थे ना, सोचते होते हैं ना। हाँ, अब बरसात के दिनों में एक बुढ़िया जंगल में अकेली रहती थी। तब बारिश पड़ने लगी, बहुत बारिश पड़ने लगी तो बुढ़िया का घर जंगल में भीगने लगा और जल्द ही बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। पानी टपकने से बुढ़िया परेशान हो उठी और सोचने लगी, छप्पर को छाए कौन। छप्पर यानी कि छत जो घास से बनी हुई थी, और बुढ़िया वो सही नहीं कर सकती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। अब इन ओलों की मार से उस जंगल में से एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास कुत्ते फांदते आ पहुंचा और वह झोपड़ी के पास बैठ गया। तब वह बुढ़िया अपनी झोपड़ी में काम कर रही थी और उसने अपने चूल्हे पर चावल पकाने को रखे। अब बुढ़िया ने जब चावल पकाने को रखे ना बच्चों, तब बुढ़िया के चूल्हे पर पानी टपकने लगा, टप टप टप। अब पानी टपकने से बुढ़िया परेशान हो उठी, अगर हमारे घर में पानी टपकने लगे तो हम परेशान उठते ना। तो बुढ़िया पानी टपकने से झुंझला उठी और सोचने लगी कि वो सोचने लगती है कब इसका मैं क्या करूं, इतना पानी टपकता है। और वो झुंझला कर बोली, मैं बाघ से नहीं डरती, उतना मैं टपका से डरती हूँ। बच्चों मैंने बताया था ना, टपका यानी कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदे। अब यह सब बाघ सुन रहा था और सुनकर सोचने लगा, अरे बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, मुझसे क्यों नहीं डरती, हाँ जरूर कोई टपका मुझसे भी बड़ा जानवर है। इसलिए बाघ यह सोचकर अपने सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखकर भाग जाना यानी कि बहुत तेज गति से बाघ वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों आप सभी को यह कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।